छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके घर को स्मार्ट होम बना, स्विच लाइट पॉइंट्स ये सेंसर्स के साथ चल रहे हैं, अगर जो गैस में लीकेज है उधर भी एक सेंसर है, आप एंटर किए वहाँ पे भी लाइट का सेंसर है, टच सेंसर्स आ रहे हैं, तो आप भी अपने घरों में कंसेप्टलाइजेशन के प्रॉपर सेंसर लगे हुए हैं, अगर जो गैस में कोई लीकेज आ रही है तो ऑन ऑफ लाइटिंग ये सेंसर से ऑन ऑफ हो रही है, तो इस छोटा है तो आप स्लाइडिंग वार्डरोब्स में आप इस तरह के सिक्योरिटी कैमराज, मोबाइल चार्जिंग के लिए प्रॉपर अपना यूएसबी प्लग के लिए लगाया है, रॉयल लुक में शैंडलियर है उसके साथ। यहाँ आज हम देखेंगे एक स्मॉल घर 350 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट और कैसे आजकल की मॉडर्न कंसेप्ट्स को यूज करते हुए अपना घर को डिजाइन और इंटीरियर को जबरदस्त कर सकते हैं। देखिए एक घर होता है स्मॉल सा और उसको ना आपने ऐसे ग्रेसफुली टेस्टफुली बिल्ड कर दें सो डैट कि आपको मज़ा आ जाए, कोई घर के अंदर आए बोलेंगे वाह आपने टेस्टफुली बिल्ड किया। तो आज हम 1350 स्क्वायर फीट के लिए एक घर डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कैसे आप कंसेप्चुलाइजेशन से कैसे इंटीरियर्स को बढ़ा सकते हैं और सस्ते में और बढ़िया काम कैसे हो सकता है। अब यहाँ से मैं ड्राइंग रूम से इसके घर के द्वार की तरफ चल रहा हूँ, यहाँ क्या है कि मेन डोर चलते हैं, तो मेन डोर हमने इसमें फ्लश डोर का इस्तेमाल किया है और फ्लश डोर में आजकल की मॉडर्न फिंगरप्रिंट सेंसर्स वाला काम, तो मॉडर्न फिंगरप्रिंट सेंसर्स उस तरीके का काम। उसके बाद आजकल जो डोर बेल चल रही हैं कोई भी एंटर करेगा तो उसको पता लगेगा भैया कौन है, यहाँ से एक कैमरा लगा होता है उस कैमरे से आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ। और मेन डोर ये हमारा तकरीबन 4 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा डोर, और आप भी अपने घरों को ऐसे फ्लश डोर के साथ माइका के साथ इस्तेमाल करते हो ऐसा काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं हूं जो लोग आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल्स ऑफ फ्रेंड, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। देखिए मॉडर्न कंसेप्ट से आप अपना घर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, अब ये डिमेंशंस की बात करूंगा। 11x10 का ये हमारा ड्राइंग रूम है लेकिन कंसेप्चुलाइजेशन में ऐसा लगेगा कि ब्यूटीफुल लुक दे रही है क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूट्रल कलर की वॉल्स का डिजाइनिंग किया है, सारे सारे न्यूट्रल कलर्स आपको नजर आ रहे हैं लेकिन एसेंट कलर भी जरूर नजर आ रहा है, तो एसेंट कलर हमने रेड कलर के एसेंट एरियाज में डिफाइनिंग है। देखिए एसेंट कलर का हमारा सोफा पड़ा हुआ है जो कि लुक उसको इन्हांस कर रहा है, यहाँ पे आजकल के ऑनेक्स टेबल चल रहे हैं। देखिए ये चीजें जो चलती है ना वो कोई नहीं बताता भैया मटेरियल क्या चल रहा है, ये ऑनेक्स टेबल है, यहां पर हमने बैक एंड वॉल्स पर एसडीएमआर बोर्ड को काट कर सीएनसी कटिंग के साथ अमेजिंग डिजाइनिंग का काम किया है। सीलिंग के अंदर देखिए हमने उसको रॉयल लुक देने की कोशिश की है, रॉयल लुक में हमने यहाँ पे जो शैंडलियर लगाया है रॉयल लुक में शैंडलियर है, उसके साथ यहाँ पे सीलिंग में भी हमने रॉयल्टी वाला काम जिसमें हमने सीएनसी कटिंग्स को यूज़ करते हुए काम किए गए हैं, यहाँ पे दो वॉल पेंटिंग्स लगी हैं जो लुक में फील दे रही है सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइनिंग के साथ। बैक एंड पे वॉल्स जो पे हमारी कर्टन्स की डिज़ाइनिंग है जहाँ पे हमने आजकल की जो कर्टन्स चल रहे हैं हैवी वाले उस तरीके की डिज़ाइनिंग करी है, वॉल्स पे पीछे छुपी सीलिंग से आपको बिल्कुल छुपा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपके लैंप्स पड़े हैं, तो छोटा सा एरिया लेकिन इतना ब्यूटीफुली कोई आए और बोले कि वाह चीज़ तो आपने बनाई है, तो ऐसे वाले कंसेप्चुलाइजेशन के साथ यहाँ पे आके सिक्योरिटी कैमराज जो मतलब मेरे बाहर से बेल बजाई तो आपको पता लगेगा भैया कौन आ रहा है, तो यहाँ से ये ऑन ऑफ आपको पता लगता है कि कौन आ रहा है बॉस। उसके साथ यहाँ पे आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, डिमेंशंस की बात करूँगा तकरीबन 12x14 का लंबा चौड़ा एरिया, एक लंबा सा कंसेप्चुलाइज्ड एरिया, नीचे बम्पल डिजाइनिंग करके हमने टीक वुड के अंदर और उसके अंदर उसको कंसेप्चुलाइजेशन विद स्मॉल शैंडलियर और यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क, ग्रैंड कोशिश करने के लिए यहाँ पे हमने मिरर का इस्तेमाल किया। देखिए मिरर आप यहाँ पे ऐसा यूज़ कर सकते हैं यूजेज ऑफ मिरर की ये आपकी रिफ्लेक्शन प्रदान करता है और क्या है कि चीज़ को बड़ा दिखाता है, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ होगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा और बड़ी स्पेस स्मॉल स्पेस को बड़ा दिखाया गया है, छोटी सी चीजें और कंसेप्चुलाइजेशन ऐसी कि बढ़िया और मजा आ जाए। यहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है लेकिन ये 3x6 का सिंपल सा डाइनिंग है, नहीं तो 3.5x6.5 का होता है, आप सिंपल और एलिगेंट डिजाइनिंग कीजिए जो लुक में अल्टीमेट फील दे। उसके साथ ही यहाँ पे हमारी आ जाती है मॉड्यूलर किचन, सिंपल और एलिगेंट और लाइट कलर की डिजाइनिंग के साथ लाइट वॉल्स की डिजाइनिंग, सिंपल किचन है 7x9 की और 7x9 में कैसे आप कंसेप्चुलाइजेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यू शेप की ये प्रॉपर किचन है जिसमें आपका प्रॉपर गैस हॉब पड़ा हुआ है, आजकल की चिमनी एरियाज, यहाँ पे आपके प्रॉपर सेंसर लगे हुए हैं, अगर जो गैस में कोई लीकेज आ रही है तो ऐसे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके घर को स्मार्ट होम बनाते हैं, यहाँ पे आपका एंटी नॉइज वाली सिंक, यहाँ पे आपके लिए आरओ के लिए पॉइंट, यहाँ पे माइक्रोवेव ओटीजीज के लिए प्रॉपर
प्रॉपर एरियाज, और यहाँ पे आपका सिंगल डोर का या डबल डोर का फ्रिज भी आ जाएगा। तो स्पेसिस ऐसी डिफाइन होनी चाहिए स्मॉल एरियाज में कि वो आपके लिए कंसेप्चुलाइजेशन हो, कि आपकी सारी की सारी स्टोरेज का प्रॉब्लम्स ख़त्म करे, आपकी सारी फंक्शनैलिटी भी दे। तो ऐसी स्टोरेज के साथ अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम। देखिए ये सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइनिंग में साथ 10x12 का हमारा ये बेडरूम है, जिसके अंदर हमने डार्क कलर की वॉल की है जो कि बैक एंड वॉल पे, और सारी की सारी वॉल्स लाइट की गई हैं। उसके अंदर यहाँ पे हमने वार्डरोब डिज़ाइनिंग कर रखी है जो कि स्लाइडिंग वार्डरोब्स है। देखिए आपका स्पेस छोटा है तो आप स्लाइडिंग वार्डरोब्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सो डैट कि आपका प्रॉपर स्पेस यूटिलाइज्ड हो, क्योंकि स्टोरेज सॉल्यूशन एक ऐसी चीज है कि आपके घर में कुछ भी डेड स्पेस का यूसेज भी होना चाहिए। घर में स्टोरेज ऐसा प्रॉब्लम रहता है हर बारी कि भैया हमारे स्टोरेज नहीं है। यहाँ पे हमने लाइट कलर की वॉल्स का डिजाइनिंग है, यहाँ पे आपका LED TV आ जाएगा, उसके साथ आपके साइड टेबल्स के साथ भी हमने उसको कंसेप्चुलाइजेशन ऐसे की है कि इसके साथ डुको पेंट के साथ हमने काम किया है इसके साइड टेबल्स का, जो कि हमने लाइट वुड के साथ बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन दे रहा है। यहाँ पे आजकल की मॉडर्न सेंसर्स लाइक ये जो सेंसर है टच सेंसर्स आ रहे हैं, तो आप भी अपने घरों में कंसेप्चुलाइजेशन कीजिए जहाँ पे मॉडर्न टच सेंसर्स के साथ आपका अच्छा काम हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पे आपके मोबाइल चार्जिंग के लिए प्रॉपर स्पेसेस हैं, यहाँ पे आप सिंपल अपना USB प्लग कीजिए और आप अपना इंजॉय कर सकते हैं। चार्जिंग स्टेशंस दोनों साइड में चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे। यहाँ पे आपके एरियाज डिफाइंड होने चाहिए जहाँ पे आपकी स्प्लिट AC लगे। और ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन, देखिए लाइट कलर का पैलेट है, लाइट कलर इस्तेमाल किया गया है घर रूम में, लेकिन सिर्फ डार्क वॉल एक बैक एंड की वॉल है जो कि आपको दिखेगी नहीं। आप यहाँ पे आराम से लेटे हो तो वॉल यहाँ पे लाइट कलर की इस्तेमाल होगी। इसके साथ चलेंगे इसके स्मार्ट होम वॉशरूम के अंदर। ये वॉशरूम भी स्मार्ट होम इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैं एंटर किया यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे सेंसर से ऑन ऑफ अपना भी होता है, ये सेंसर से ऑन ऑफ लाइटिंग, ये सेंसर से ऑन ऑफ हो रही है। तो इस तरीके के सेंसर्स का इस्तेमाल ओवरहेड तक टाइलिंग के लिए, लाइट कलर की टाइलिंग और वेंटिलेटेड स्पेसेस के साथ आपके गीजर के पॉइंट्स, छोटी छोटी एरियाज की डिफाइनेशन और नीचे आपकी एंटीज की टाइलिंग का वर्क। तो जब भी आप घर बनाएं छोटे छोटे पॉइंटर्स और आजकल की मॉडर्न सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपके घर को इन्हांसमेंट कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया एक सेंसर जब मैं एंटर किया था आपकी डोरबेल में सेंसर था, उसके बाद आपके स्विच लाइट पॉइंट ये सेंसर्स के साथ चल रहे हैं, अगर जो गैस में लीकेज है उधर भी एक सेंसर है, आप एंटर किए वहाँ पे भी लाइट का सेंसर है। तो चीज़ें आजकल की स्मार्ट होम्स में वैसी ही चीज़ें हैं। उसके साथ ही अटैच वॉशरूम जो कि ये कॉमन वॉशरूम हमारे सेकंड बेडरूम के साथ भी जुड़ रहा है, इसमें हमने लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क है, सिमिलर कंसेप्ट में हमारा ये आ गया है सेकंड बेडरूम। देखिए सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइनिंग के साथ स्लाइडिंग वार्डरोब्स का डिज़ाइन, बैक एंड वॉल बिल्कुल ही प्लेन की है, बीच में राइट हैंड साइड में वाइट कलर के ल्यूवर्स जो कि डुको पेंट के साथ हमने वर्किंग की है, उसके साथ लाइट कंसेप्चुलाइजेशन के लाइट ब्राउन का वॉल, और 13.5 स्क्वायर फीट में 10x13 का ये कमरा जो कि आपको पीस और कामनेस होनी चाहिए। सिंपल सीलिंग डिज़ाइन, कोई भड़कीला काम ना कीजिए। आजकल की मॉडर्न ट्रेंडिंग डिज़ाइंस ये हैं कि आप सिंपल एलिगेंट करना है, हैवी काम जो भी कर रहे हैं हमने देखिए यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग में कर दिया। आपको चीज़ दिखानी है ड्राइंग डाइनिंग में दिखनी चाहिए, वो ड्राइंग डाइनिंग में आपको चीज़ें दिख गई हैं। उसके साथ ही आ गए हैं थर्ड बेडरूम, देखिए स्पेशियस थर्ड बेडरूम भी आपको नज़र आ रहा है। उसके साथ यहाँ बैक एंड वॉल है जहाँ पे हमने सिंपल कुशनिंग एरिया और सिंपल हमारा एक बेडरूम पड़ा है। कामनेस मिलनी चाहिए ऐसे बेडरूम के साथ। तो ऐसे कंसेप्चुलाइजेशन के साथ आज हमने देखा इंटीरियर डिज़ाइन आइडियाज़ फॉर अ 1350 स्क्वायर फीट के अंदर 3BHK का हाउस और मॉडर्न कंसेप्ट्स यूज़ करते हुए कैसे आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो नीचे देखे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें बहुत हेल्प करता है कि हम आपके लिए बेस्ट काम कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।